मेरी फीमेल है जी कोको बॉम विनर, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की वीए फीमेल है पीकेसी में। मेरा मेल है जी गोल्डन बॉम हाउस केसी, इसका नाम है जी पेडिग्री नेम। ये फीमेल मेरी है जी एचजी वन हुई है जी। फीमेल जो है वो साल में कितने पपीज दे देती है और कौन से पपीज जो हैं वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं? इनके जो हमारे पास बाहर के हैं मम्मी डैडी डॉग्स हैं, तो हमारे पास इनके जो हैं पालने के शशके भी ज़्यादा होंगे। ये तो है, तो ये बताएं कि मतलब प्रिकॉशन वगैरह इनको किस ख्याल रखने का क्या तरीक़ेकार होता है? क्या अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अज़ीम चौधरी और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडिया वाला। आज का बिज़नेस आइडिया जो है बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है, क्योंकि हम आपको ऐसी शख्सियत के साथ मिलवाने वाले हैं, वो स्टूडेंट भी हैं और साथ साथ वो एनिमल ब्रीडिंग पर काम कर रहे हैं। वो कब से कर रहे हैं और किस एनिमल पर कर रहे हैं और उससे वो क्या बेनिफिट्स उठा रहे हैं, वो आप इसे कैसे उठा सकते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। हमारे साथ रहिएगा, थैंक यू जी। हमारे साथ हैं ज़ैन अलाउद्दीन साहब, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सुनाएं ठीक ठाक करम वाले की बात। अच्छा, सबसे पहले हमारे व्यूज़ को बताएं कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं वो किस एनिमल पर है, किस एनिमल की ब्रीडिंग आप कर रहे हैं? मैं जी डॉग्स में बिज़नेस कर रहा हूँ, जर्मन शेफर्ड ब्रीड पर कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जर्मन पर आगे भी करने का इरादा है। जर्मन शेफर्ड पर आप? जी जी, मेरा शौक भी यही है और बिजनेस भी सारा यही है। सही हो रहा है। और ये कब से कर रहे हैं और अब तक आप कितने एनिमल्स पे मतलब ब्रीडिंग करवा चुके हैं और कितने एनिमल्स आप सेल कर चुके हैं? ये तो काउंट नहीं किया जा सकता जी, कितने कर चुके हैं सेल या कितने की ब्रीडिंग कर चुके हैं, लेकिन अरसा 3-4 साल से मैं प्रॉपर इन हूँ जर्मन में। कैनल बॉम रेड वुल्फ के नाम से मेरा कैनल रजिस्टर्ड है जी पीकेसी में, पाकिस्तान कैनल क्लब में। यानी कि बाकायदा ये जो आपने फ्रंट का नाम बताया ये पाकिस्तान की मतलब के इंस्टीट्यूट? जी 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 बिल्कुल जी, एक पूरा प्लेटफॉर्म है ये जो जर्मन के साथ लिंक है इसका। यानी कि अगर इसके बगैर आप ये काम नहीं कर सकते? नहीं नहीं, इसके बगैर कैनल रजिस्टर करेंगे तो फिर उसके बाद ही फिर अच्छी ब्रीडिंग के लिए तो फिर आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि बाकायदा यानी कि एक इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप रजिस्टर होते हैं। जी जी, और उससे आप जो ब्रीड करवाते हैं वो हमारी जो है अच्छी क्वालिटी की होती है। क्वालिटी होती है यानी कि उसमें किसी इस तरह हाइब्रिड कर देते हैं उस जैसा तो लगता है पर होता नहीं है? नहीं नहीं, ये जैसा जैसा लगता है ये वैसा ही होता है। ये वैसे होता है, जो लगता है वही होता है, क्योंकि क्वालिटी पे तो फिर नहीं है, कंप्रोमाइज़ नहीं होता। वो जारी बात है, ये मतलब ज़्यादा जो है शौकीन लोगों का काम है। आपका इस तरफ ध्यान कैसे आया? शौक था, शौक के साथ फिर बिजनेस भी। इन पहले आप शौक से पाल रहे थे, उसके बाद आपने उसके बाद बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ये तो बड़ा ज़बरदस्त कर दिया। और फिल वक्त आप बताएँ कि आपके पास कितने एनिमल्स हैं? मेरे पास जी 2 फीमेल्स हैं बड़ी अडल्ट, और एक मेल है अडल्ट, पपी हैं और एक लैब्राडोर है। ठीक हो गया, चलें अभी आपके साथ आएंगे और दिखाइएगा हमें कौन कौन से पड़े हैं। इंशाल्लाह जी बिल्कुल। अच्छा जैन भाई, ये बताएं ये सबसे पहले आप किसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? ये मेरी फीमेल है जी कोको बॉम विनर, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की वीए फीमेल है पीकेसी में, पाकिस्तान का नंबर 1 पे आई हुई है? नहीं, नंबर 3 पे ये थी जी हमारी। असल में इसकी ट्रेनिंग बहुत कम थी, लीटर से फ्री हुई थी पपियों से, तो बस ऐसे ही बस 20 दिन की इसने विन किया है। जी जी, ये पूरे पाकिस्तान में 3rd नंबर पे है जी। जैन भाई ये बताएं ये डॉग्स हैं ये कितने अग्रेसिव होते हैं, ये फ्रेंडली हैं या फैमिली के लिए बंदा ये कर सकता है, क्या सीन है? असल में ये पप्पी को आपको सिखाना पड़ता है, आपको समझ होनी चाहिए कि आप डॉग जो है किस पर्पज से रख रहे हैं। ठीक है, अगर आप उसको मतलब रखवाली के लिए रख रहे हो तो फिर उसकी ट्रेनिंग उसी हिसाब से करनी पड़ेगी, अगर आपको उसको फैमिली में रख रहे हो तो उसकी उसके हिसाब से करनी पड़ेगी। जैसे आप कह रहे हैं उस हिसाब से ट्रेनिंग इसकी हो जाते हैं जी, ये आधे इंसान है जी। अच्छा हैं जानवर, ये ब्रीड आधे इंसान है। ठीक हो गया, इसके बारे में बताइए, दूसरा दिखाना चाह रहे हैं? ये फीमेल मेरी है जी HG1 हुई है जी, और VP3 है ये जो कोको बॉम विनर गई है, इसकी बच्ची है ये। अच्छा अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बाप जो है वो 2 टाइम पाकिस्तान का VA है। अच्छा जी, लियो जबरदस्त। और माँ इसकी आपके कितने सामने मंथ की है? ये अभी होगी तकरीबन 26 मंथ की। अच्छा ठीक जी, इसके ब्रीडिंग आपने स्टार्ट कर दी? जी जी, ब्रीडिंग स्टार्ट होगी, इसके पपी आए हुए हैं जो अपने अभी पपी दिखाते हैं, ये आउट ऑफ कोड है इस टाइम, टोटल शेडिंग में है, ये लाएगी इंशाल्लाह एक आधे मंथ तक इंशाल्लाह लाएगी कोड अपना पूरा। अच्छा जैन भाई ये बताएं पपी जो है किसके हैं? ये जी एल्सा के पपी हैं, ये जो फीमेल है अभी गई है। जी जी, ये इसका बाप जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह L1 है जी, L1 बॉम 4 ब्रदर्स, वो मेरे एक भाई हैं उनका मेल है। दो पपीज हैं ये, पपी सेल हो गए हैं जी, ये 4 बहन भाई थे, 2 सेल हो गए हैं।
दो दफा प्रेग्नेंट उठती है फीमेल और पपी तो ज्यादा देते हैं ना, वो पपी तो अल्लाह के हाथ में होता है। इसने पहले लीटर में 6 पपी दिए थे, अब दूसरे लीटर में 4 दिए, ये भी हैं तकरीबन 65 डेज के जी। ये स्टोकेयर में एक मेल है और ये मेल जो है ये लॉन्ग हेयर है इसी का, इनकी इन्हीं का भाई। अच्छा, ये लॉन्ग हेयर में, ये शॉर्ट हेयर में? ये लॉन्ग हेयर है जी, ये शॉर्ट हेयर है। ये लॉन्ग हेयर की क्वालिटी चेक करवाएं जी आप, इसका हेड क्वालिटी चेक करवाएं देखें, और इसकी फर क्वालिटी चेक करें। ये नाज़रीन देख लें, ये लॉन्ग हेयर्स में है, खूबसूरत हैं, जो शौकीन बंदों के लिए हैं देख लें, पसंद आते तो इनसे आप रब्ता भी कर सकते हैं। एक छोटी ही बना दियो। चलो, ये स्टोक हेयर है जी मेल, इसको भी देख लें। हे बॉय, और अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों तरफ से, मदर साइड से भी और फादर साइड से भी, ये कुत्ते हैं जी पाकिस्तान के पहली पोजीशन में खेले हुए कुत्ते हैं जी जी, ये उनके पपीज हैं। नाज़रीन आपको दिखाएंगे आप मेल, ये ज़ैन भाई इसके बारे में बताएं ज़रा। ये जी मेरा मेल है जी, गोल्डन वॉर्म हाउस के इसी इसका नाम है जी, पेडिग्री नेम, और कॉलिंग नेम इसे हम सीज़र कहते हैं, और सीज़र नाम जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी वीए का बच्चा है जी, जो जी जी विन किया जी। और ये पाकिस्तान में VA5 लगा था जी मेरे पास। अच्छा जी, और SG क्लास में ये SG3 हुआ था फैसलाबाद। चलें यही पूछते हैं कि जो देख रहे हैं क्या आप इसका ब्रीड जो है वो अवेल करते हैं? जी जी, इसका स्टड अवेलेबल के लिए चाहिए जी, बिल्कुल जी। तो क्या मतलब क्या रेट्स वगैरह हैं? रेट्स तो कोई नहीं है जी, रेट का क्या करना है, आपके चैनल के थ्रू आता है तो जी खास प्यार करेंगे उनके साथ। अच्छा, और जो है रेट तो जो फिर बता दें, ये मतलब किसका है? मतलब ये जैम पे एक मेल हुआ है जी, पाकिस्तान का VA मेल था उसका, ये है बच्चा जबरदस्त, जर्मन इंपोर्ट मेल था उसका, ये बच्चा है। नाज़रीन इसे देख लें, अगर स्टड के लिए इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो नंबर इनका हम चला देंगे स्क्रीन पे, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इसके बारे में बताएं, ये जो नेक्स्ट दिखा रहे हैं ये लैब्राडोर पपी है जी हमारा, ये बड़े शरारती होते हैं, ये कहते हैं हर टाइम हमें खिलाई जाओ बस प्लेइंग। कितने मंथ का है? ये है 7 मंथ का जी। 7 मंथ का जी जी, ये 7 मंथ का मेल है, फीमेल मेल है जी हमारा। अच्छा, ये मेल है जी जी, ये मेल है 7 मंथ का। ठीक हो गया, तो इसकी ब्रीडिंग भी आप चलाते हैं? ये नहीं, ये बस है तो जर्मन का ही मुझे शौक, ये बस मेरे भाई को पसंद है, इसलिए रखा हुआ है, ये एक उसके लिए रखा हुआ है जी। चलेंगे ओके, ये बुआ है बट ठीक, आ गई लाइट, आ गई आ गई। तो फिर अपन इंट्रोड्यूस की करने पर मकसद अपना वे जो शो कराना ना जी जी। अच्छा जैन भाई बताएं, अभी आप शो सीजन की बात कर रहे थे, आप अपना बताएं कि आपकी ब्रीडिंग जो है उसमें आपकी कौन सी क्लास में आप खेले हैं और कौन सी आपकी पोजीशन आती रही है? अगर अपनी ब्रीडिंग की बात करें तो मेरे पास एक फीमेल है कोको बॉम विनर, इसकी लाइन ब्रीडिंग में उबर बॉम बैड बुल खड़ा है, ये दो दफ़ा जर्मन का जो है VA मेल है, उसकी ब्रीडिंग में से उसी की ब्रीडिंग को मैं तो चला रहा हूँ अपने उस फीमेल की, क्योंकि उसकी ब्रीडिंग में से मेरे पास एक फ़ीमेल खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो VP भी फैसलाबाद हुई है, VP3 हुई है, इस साल वो SG1 हुई है, अभी उसका लीटर आया हुआ है, आपको पपी दिखाएंगे उसके, कुछ सेल हो गए हैं तो कुछ दिखाते हैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह, रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, ये बताएँ कि जो वहाँ पोजीशन वगैरह आती है आपको कैश इनाम मिलता है या क्या होता है वहाँ पर? देखें जी, जो मुकाबला होता है ना उसमें तो जब आपको मतलब पहले 3 नंबरों पे आपको प्लेस किया जाता है वहाँ, फिर वो रह ही नहीं जाता कैश नाम का, तो वो सिस्टम ही नहीं रहा, एक मेहनत करके आप चीज़ लेके जाते हो, फिर पूरे पाकिस्तान के सामने या पंजाब पूरे के सामने जब आपको प्लेस किया जाता है पहले 3 नंबरों में से कहीं भी, खुशी बड़ी होती है नाम का, तो क्या तो करना है, नाम बन जाता है वहाँ पे। ये होता है कि आपकी पब्लिसिटी हो जाती है, आपको ये आपको अपनी ब्रीड का मियार की समझ आ रही होती है कि आप किस मतलब मियार की ब्रीडिंग कर रहे हो, लोगों को भी नज़र आ रहा होता है कि मतलब कौन सा ब्रीडर कहाँ ब्रीडिंग कर रहा है, यानी कि लोगों को भी अवेयरनेस हो जाती है कि ये बंदा जो आया है यानी इसके बाद अच्छी ब्रीड है तो आया ब्रीड है, तो उसके बाद फिर ऑटोमेटिक उसका बिजनेस जो है उसका नाम बन जाता है और लोग उसे सेल के मतलब परचेज के लिए आना शुरू हो जाते हैं, फिर तो परचेज तो फिर सेल तो फिर खुद ही होता है। चलिए हो गया, अब नाज़रीन के लिए क्वेश्चन जो हम हमेशा अपने सारे जो है नाज़रीन मेहमानों तुमसे करते होते हैं,
कि कोई बंदा ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है जी जी, तो वो कहाँ कितने से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, क्या रहनुमाई करेंगे ज़रा ये बताएं। देखें जी, कोई बंदा भी अगर बिजनेस करना चाहता है तो पहले तो ये है कि किसी भी बिजनेस करने से पहले उसमें आपका तो जो है वो तजर्बा तो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आप मतलब पैसे लगा रहे हो, ज़्यादा पैसे 20-25 लाख रुपया लगा रहे हो, वो लगा के आप ज़्यादा डॉग्स ले आते हो, ठीक है, वो आपसे कीप अच्छे नहीं होते, ठीक है, आपका नुकसान है। उससे पहले अच्छा है कि आप अच्छे किसी अच्छे ब्रीडर से कोई एक अच्छी लाइन की फीमेल परचेज करें। सही, ठीक है, वो भी पपी करें ताकि आपको उसे रखने का कीप करने का पता लगे। उसके बाद जो है फिर उसे तैयार करें, ठीक है, और फिर बढ़ा लें जितना मर्जी बढ़ा लें। ज़बरदस्त हो गया जी। अच्छा जैन भाई, ये बताएं कि एक फीमेल जो है वो साल में कितने पपीज दे देती है और कौन से पपीज जो हैं वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, किस नस्ल के? देखें जी, नस्ल में तो आप मेरा ख्याल पूछना चाह रहे होंगे, लॉन्ग एयर या स्ट्रोक एयर में। देखें जी, ये लीटर तो दो देती है साल में एक फीमेल। हाँ जी, हर 6 मंथ के बाद फीमेल जो है वो मतलब अपना एक प्रोसेस कंप्लीट करके वो लीटर पे आती है, वो मतलब लीटर उसका आता है। तो कितने पपी होते हैं ये तो अल्लाह की ज़ात को बताए जी, कितने पपी होते हैं, ठीक है, आप मेहनत कर सकते हो। देखें, एक्सपीरियंस में ये है कि आप फीमेल की डाइट अच्छी रखें, ठीक है, उसकी वॉक अच्छी रखें, जिसकी वजह से उसने पपी ज़्यादा देने हैं। बाकी जो देना है वो तो अल्लाह की ज़ात ने देना है जी जी। और कोशिश करें कि जो भाई भी मेरा मतलब इस लाइन में आना चाह रहा हो, इस फील्ड में आना चाह रहा हो या शो करना चाह रहा हो, तो वो पेडिग्री की तरफ आए। नॉन पेड में एक तो फ्रॉड बहुत है, दूसरा नॉन पेड आपकी घर की हद तक है। सही, ठीक है, पेडिग्री पपी लेंगे आप, ठीक है, जिसका पूरा रिकॉर्ड होगा, जिसकी एक पूरी पेडिग्री होगी, ठीक है, उसमें एक तो ब्रीडर दो नंबरी नहीं कर सकेगा, आपको चीज़ अच्छी प्रोवाइड हो जाएगी कहीं से भी लें, ठीक है, यानी पूरे डॉक्यूमेंटेशन जी डॉक्यूमेंटेशन के साथ लें, ठीक है, ताकि उसका क्लब भी जिम्मेदार हो ताकि आप सेल करने जाएं तो उसको आपका उसका रेट भी अच्छा लग जाए, रेट भी अच्छा लगे, और कोई क्लेम करने वाला ये भी ना कह सके ये मतलब दो नंबर है जी, दो नंबर गुड हो गया। जैन भाई, इसी को कंटिन्यू रखते हैं ये बात को, ये बताएं कि पपी जब आ गए हैं तो उसको माइक्रोचिप का जो प्रोसेस है, जो पकी चीज़ें हैं उसको आगे ले जाने का, वो क्या होता है वो ज़रा वो भी बताएं, गाइड करें जी। जी, आपके पास पपी आ जाते हैं तो आप 30 डेज पे जाके, पहले 28 डेज पे जाके, कुछ लोग 25 डेज पे और कुछ लोग 28 डेज पे, 30 डेज पे जाके पहले वैक्सीन करवाते हैं। वैक्सीनेशन होने के बाद जो है वो आप क्लब को उनकी पेडिग्री मतलब अप्लाई करते हैं, तो 45 डेज तक ऑलमोस्ट जो है प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाता है, और आप क्लब आपको जो है वो आपको पपी पेडिग्री करवा देता है, माइक्रोचिप कर देता है। इस पे वगैरह खर्चा वगैरह भी होता है या फिर? ये खर्चा तो होता है जी, फिर सारी बात है, एक प्लेटफॉर्म है, उनका भी अपना खर्चा है, रजिस्टर करने का सिस्टम है, जर्मन तक जाता है, तो फिर वो कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा ना जी भाई। इनके जो सारी बात है, बाहर के हैं मम्मी डैडी डॉग्स हैं, तो सारी बात इनके जो हैं पालने के शशके भी ज़्यादा होंगे, ये तो है, तो ये बताएं कि मतलब प्रिकॉशन वगैरह इनका इस ख्याल रखने का क्या तरीकाकार होता है, कैसे रखते हैं, कितनी जगह में रखते हैं और क्या टेम्परेचर होता है, ये सारा कुछ बताएं। असल में इनका सर्दियों में तो खैर इतना मसला नहीं बनता, क्योंकि सर्दी तो इन्हें कम ही लगती है, क्योंकि डॉग्स को सर्दी सिर्फ नीचे से लगती है ज़मीन से, उसके लिए तो आप कुछ भी नीचे डाल सकते हैं, जिस तरह हम फट्टे यूज़ करते हैं या क्लीन वगैरह यूज़ करते हैं। गर्मियों का इनका ज़रा इशू होता है, गर्मी ये डॉग जो हैं वो बर्दाश्त नहीं करते, फिर इनके लिए कूलर्स और एसी वगैरह जो अफोर्ड करते हैं। हाँ जी, अगर नहीं तो कूलर तो ऑलमोस्ट कम से कम लाजमी होना चाहिए। और डाइट में क्या चलाते हैं, डाइट प्लान इनका क्या क्या फीड करते हैं? डाइट में जी ज़्यादा लोग तो जो हैं कैनल, बहुत सारे कैनल्स हैं जो डॉग फीड ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम डॉग फीड के साथ साथ जो है वो चिकन का कीमा और बीफ का कीमा भी इस्तेमाल करते हैं। डेली बेसिस पे कितना ये खा लेते हैं मतलब? डेली बेसिस पे जी एक जो अडल्ट मेल है, अगर उसको कीमे का हिसाब लगाया जाए तो उसे जो अडल्ट मेल है 35 kg से अबव, तो उसे 75 ग्राम जो ग्राम तो चाहिए होता है ना, ठीक है जी। और फी अडल्ट फीमेल को हाफ बच्चे तो मतलब की बच्चों, चाहिए बच्चों की भी। बच्चे मोस्टली 3 मंथ तक, 35 डेज 40 डेज 90 डेज तक तो जो होते हैं वो डॉग फीड पे ही तो होते हैं सर्वाइव, उसके बाद फिर उनकी डाइट में शुरू हो जाते हैं।
अच्छा जैन भाई, ये बताएं कि आप बताएं जर्मन शर्ट पे काम कर रहे हैं, ये बताएं कि लॉन्ग हेयर पे काम कर रहे हैं या शॉर्ट पे कर रहे हैं? असल में ब्रदर, शौक तो मुझे स्ट्रोक का ही है, लेकिन अब ट्रेंड चल गया है लॉन्ग हेयर का। लॉन्ग हेयर भी इन करेंगे, लेकिन अभी कोई मूड नहीं है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। बेनिफिट्स किस में ज़्यादा है? बेनिफिट दोनों में ज़्यादा हैं। देखें, आप अच्छे ब्रीडर बने, अच्छी क्वालिटी लोगों को प्रोवाइड करें, तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। अगर आप अच्छी क्वालिटी लोगों को प्रोवाइड नहीं करते, अगर कस्टमर आपका ख़राब होता है, तो फिर तो बेनिफिट नहीं है ना। अच्छा, ये पूछेंगे कि मतलब फीमेल का रेट ज़्यादा होता है या मेल का ज़्यादा होता है या बच्चे का ज़्यादा होता है? असल में ये ब्रीडर जो होता है ना, ये जिस टाइप में ब्रीड ले रहा होता है, रेट तो असल में क्वालिटी का होता है जी। फीमेल और मेल का इसमें तो कुछ भी नहीं होता, ये होता है कुछ थोड़ा डिफरेंस होता है 5-4 हज़ार का बस। अच्छा, अगर कोई बंदा नया है जिसको आइडिया नहीं है, वो अगर क्वालिटी कैसे देखे, उसे कैसे पता लेगा मैं क्या चीज़ चेक करके लूँ, ये रियल बेस पे मैं ले रहा हूँ, धोखा तो नहीं हो रहा मुझसे? सबसे पहले तो मेरा अपने सब देखने वालों को ये पैगाम है कि जब भी आप डॉग परचेज करें, तो किसी पहले जिस ब्रीडर से कर रहे हैं, उस ब्रीडर का अच्छी तरीके से पता करें कि कब से आया गया ये ब्रीडिंग में, इसके जो डॉग्स हैं वो किस क्वालिटी के हैं, क्या आया गया ये जो ब्रीडिंग कर रहा है वो आपके शो सीजन में जाके उनमें से जो है ब्रीड है इसकी वो किन नंबरों में खेल रही है। अच्छा, ये भी आपने टर्म यूज़ किया, सॉरी आपकी बात में काट रहा हूँ, ये शो सीजन से मतलब क्या मुराद है? असल में जर्मन का ना शो सीजन होता है पूरा 11 मंथ से लेके दूसरे मंथ तक, सर्दी पूरी इनके शोज होते हैं पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, तो वहाँ हर ब्रीडर को मौका मिलता है अपनी ब्रीड इंट्रोड्यूस करवाने का, यानी कि हर बंदा अपने हिसाब से ब्रीड करवा के वहाँ कंपटीशन में आता है। हर बंदा कंपटीशन पे आ रहा है। ये पीके सिर्फ पाकिस्तान कैनल क्लब करवाता है जी, और जजेस मुल्तान में होते हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट सारे बड़े सिटीज में पाकिस्तान के हो रहे थे। सारे जजेस फॉरेन आते हैं जर्मन से। अच्छा, वो देखिए आपको बिल्कुल जी, जबरदस्त, यानी किसी आपको पब्लिसिटी भी मिल सकती है और बिजनेस तो है ही है। जी, पब्लिसिटी भी मिलती है जी, बिजनेस तो है ही है साथ। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको रिव्यू करवाया, सारा उन्होंने बताया, सारा गाइड किया, मज़ीद आप इनसे गाइड लेना चाहते हैं, इनकी ब्रीडिंग लेना चाहते हैं, तो इनका नंबर हम चला देंगे, आप इनसे रहनुमाई ले सकते हैं 1-2 all। ठीक है, यकीन ये वीडियो आपको पसंद आई होगा, आइडिया भी पसंद आया होगा, और मैं कहता हूँ ये शौकीन बंदों की आइटम है, और शौकीन बंदे कहते हैं शौकदा मुल्क कोई नहीं, तो वो इस किसी हद तक भी उसको खरीद सकता है और अब से अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हैं। यकीन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।